वेलकम टू रुचिदा ढाबा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ प्याज की कढ़ी। आमतौर पे आपने बनाया होगा जिसमें कि बेसन के पकौड़े डालते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा फ्राइड है। तो चलिए देखते हैं प्याज की कढ़ी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसमें हमने लिया है 3 कप दही, थोड़ा सा खट्टा हो तो अच्छा रहेगा। 1/2 कप हमने लिया है बेसन, 1/2 इंच जिंजर हमने ग्रेट कर लिया है, 6 गार्लिक पॉड्स लिए हैं हमने, लहसुन के टुकड़े और 2 हरी मिर्च के टुकड़े, 1 बड़ी प्याज हमने बारीक कट कर लिए, और छौंक में हम यूज़ करेंगे मस्टर्ड सीड जो है यहाँ पर, और है मेथी दाना, इसका हम लेंगे 1/2 टीस्पून, और ग्राइंडेड पाउडर में हम यूज़ करेंगे 1 स्पून टर्मरिक यानी हल्दी पाउडर, 2 चम्मच हम लेंगे धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच चिली पाउडर और 1/2 चम्मच जीरा। तो सबसे पहले दही में हम बेसन ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अब देखिए ये बैटर जो है हमारा थिक है, तो इसमें हम 1/2 से करीब 1 कप पानी ऐड कर देंगे, जैसा आपको थिकनेस चाहिए कढ़ी की। अब चलिए हम छौंकते हैं कढ़ी को। हमने एक पैन में करीब 1 टेबलस्पून घी ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक, हरी मिर्च और लहसुन। इसको चलिए अच्छे से भून लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करते हैं अपना ऑनियन, प्याज को मिक्स अच्छे से कर लीजिए। अब इसमें ऐड करते हैं हम स्वाद अनुसार नमक और इसको करीब 2 से 3 मिनट तक भून लेते हैं अच्छे से। अब हमारा प्याज थोड़ा भून चुका है तो इसको थोड़ा सा साइड में कर दीजिए, और जो हमारा घी है उसमें अब हम चलिए ऐड करते हैं हमारा मसाला, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच राई, और हम डालेंगे मेथी दाना करीब 10 पीसेस। ऐड करते हैं 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, और 2 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर। अब चलिए सबको मिक्स कर लेते हैं प्याज में। खूब अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जो दही का बैटर है वो ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसको करीब 5 मिनट तक हम पकाएंगे। तो देखिए हमारी कढ़ी रेडी हो गई है। इसको करीब हमने 5 से 10 मिनट तक करीब उबाला है। तो चलिए हम इसको बोल में निकाल लेते हैं। चलिए अब इसका हम छौंक बना लेते हैं जो हम अभी ऊपर से डालेंगे। थोड़ा सा हमने 1 पिंच हींग लिया है। अब इसमें हम डालेंगे रेड चिली और डालेंगे रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। इसको अच्छे से भून लेते हैं। थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे हम मस्टर्ड। तो चलिए हमारा छौंक तैयार है। हम इसको इसके ऊपर फोल्ड कर देते हैं। तो ये तैयार है हमारी कढ़ी प्याज वाली। तो ज़रूर बनाइएगा ये कढ़ी प्याज वाली अपने घर पर। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब रुचिदा ढाबा।